नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। कुछ ही दिनों में हो रहा है शनि का महाराशि परिवर्तन। 17 जनवरी 2023 से बदल जाएगी न्याय के दाता शनिदेव की चाल। आने वाले 2.5 वर्ष तक इन 5 राशियों की खुलने वाली है किस्मत। इन 5 राशियों पर होगी शनिदेव की विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उन 5 राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर शनिदेव राशि परिवर्तन करते ही अपनी कृपा दृष्टि बरसाना शुरू कर देंगे। शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही इन 5 राशि वाले लोगों के जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। इन लोगों का भाग्य चमकने लगेगा। आपको बता दें, पूरे 2.5 वर्षों के पश्चात शनिदेव अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं, जिसके चलते 17 जनवरी को शनिदेव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक इसी अवस्था में गोचर करेंगे। वैसे तो शनिदेव का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए प्रभावी होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में 5 विशेष राशियों की चर्चा करेंगे जिनके लिए शनिदेव पूरे 2.5 सालों तक धन की बरसात करेंगे, या फिर यूं कहें तो इन 5 राशि वालों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। रंग से राजा बनाने वाले हैं शनिदेव, इसलिए तैयार हो जाना चाहिए आपको। तो दोस्तों, शनिदेव के बारे में कहा जाता है शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव जब किसी के साथ न्याय करते हैं तो वो किसी को नहीं छोड़ते, रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग बना देते हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन बड़ा उलटफेर लेकर के आता है, क्योंकि शनिदेव को दंड अधिकारी के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें, यदि किसी व्यक्ति का पाप का घड़ा भर गया है और उसके जीवन में शनिदेव प्रवेश करते हैं, यानी कि उसकी राशि में 7.5 ही शनि की डैया प्रारंभ होती है, या फिर उस व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा अंतरदशा प्रारंभ होती है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, उस व्यक्ति को शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में ऐसा जबरदस्त फल प्रदान करते हैं कि वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा लोगों की मदद करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, गरीब लोगों को हमेशा दया की दृष्टि से देखता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में शनिदेव की 7.5 और शनि की डैया राज्योकारक बंद करके आती है। जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है, शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में केंद्र या फिर त्रिकोण में बैठे हुए होते हैं, या फिर दोस्तों अपनी मित्र राशि में किसी अच्छे भाव में बैठे हुए होते हैं, तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में शुभ दृष्टि प्रदान करते हैं। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि शनिदेव की 7.5 डैया अंतरदशा में व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति भी कर सकता है, यदि शनिदेव उसके लिए अनुकूल रहता है। तो आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को 3रे घर में, 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में शुभ दृष्टि प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। इसके अलावा एकादश भाव में भी शनिदेव बहुत बढ़िया प्रदान करते हैं। शनिदेव का यह राशि परिवर्तन कुछ राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी बरतने वाला रहेगा, तो वहीं कुछ राशि वाले जातकों के लिए लाभदायक साबित होगा। तो कुछ राशि वालों को मध्यम रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, हम जिन 5 राशि वालों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इन लोगों के जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। यानी कि यूं कहें तो
तो शनिदेव इन पांच राशि वालों को रंक से राजा बनाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं साल 2023 में शनिदेव की कृपा से कौन कौन सी राशि वाले करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी आयु 32 वर्ष है या फिर 32 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको शनिदेव का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपकी आयु 32 वर्ष से कम है तो आपको शनिदेव की इस गोचर का पूरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा आप इसे अपने लग्न के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं उन पांच राशियों के बारे में। दोस्तों अगर पहली राशि के बारे में बात की जाए तो वो मेष राशि है, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर लाभ स्थान में हो रहा है। आपको बता दें लाभ स्थान में शनिदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। ऊपर से अपने घर में गोचर करेंगे तो ऐसे में दोस्तों धन लाभ होने के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने का योग बनेगा। मेष राशि वालों के लिए आने वाला जो 2.5 साल का समय है वो काफी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा, कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस व्यापार को विदेश में फैलाना चाहते हैं तो आपके सभी कार्य बन जाएंगे। नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को भी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें शनिदेव की जो दृष्टि है वो भी आपके लिए काफ़ी परफेक्ट रहने वाली है। संतान सुख की प्राप्ति आपको होगी, संतान के विवाह का योग भी बनेगा। कुल मिलाकर के शनिदेव का ये गोचर आपके लिए हर क्षेत्र में लाभ के अवसर लेकर के आ रहा है। बस सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है दोस्तों। और दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में बात की जाए तो वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव नवम भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को अपने भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। शनिदेव भाग्य भाव में खुद के घर में गोचर करेंगे तो वो परम सुख कहे जाएंगे। यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन लाभ का योग बना हुआ है। अगर आप विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए परफेक्ट साबित होगा। नए काम की शुरुआत करने के लिए भी जबरदस्त योग बनेगा। व्यापारियों को बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और नव वर्ष साल 2023 में अगर कोई चुनाव होने वाला है तो उस चुनाव में आपको जीत हासिल हो सकती है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो यानी कि उच्च पद की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। कहा जाए तो जो लोग एकदम अंधेरे में कहीं पर छुपे बैठे हुए थे अब वो लोग प्रकाशित होंगे, उनका कार्य लोगों के सामने आएगा जिसकी वजह से उन लोगों को धन के साथ साथ मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर तीसरी राशि के बारे में बात की जाए तो ये कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर छठे भाव में होगा। छठे भाव में गोचर करने वाले शनिदेव आपको शत्रुहंता बनाएंगे। सभी प्रकार के शत्रु से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा, आपको पुराने रोग से छुटकारा देखने को मिलेगा। यदि आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है तो भी वो उतर जाएगा। आने वाले समय में धन लाभ का योग बना हुआ है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जा कर के नौकरी या फिर व्यापार करना चाहते हैं तो आपको अच्छा मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनिदेव का ये गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। बस सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी
सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव की दृष्टि आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, इसलिए दोस्तों इस समय फिजूल खर्चों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। अगर चौथी राशि के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वो तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। शनिदेव तुला राशि वालों के लिए राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव तुला राशि वालों को काफ़ी बेहतरीन और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो ऐसे में गोचर में शनिदेव पंचम भाव में खुद की राशि में गोचर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में तुला राशि वाले जातकों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सुख साधनों में वृद्धि होने का योग बना हुआ है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपको बता दें इस समय शनिदेव आपके लिए विवाह के योग विधि बना रहे हैं। अगर आप विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आपका विवाह हो सकता है। इसके साथ ही क्रिएटिव इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों को करियर बनाने का एक नया मौका मिल सकता है। दोस्तों अगर अंतिम और पांचवी राशि के बारे में बात की जाए तो वो राशि धनु राशि है। आपको बता दें साल 2023 में 17 जनवरी के बाद धनु राशि से शनिदेव की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। 17 जनवरी के बाद शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। जैसे ही शनिदेव के साढ़े साथी खत्म होगी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, ऐसे में भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। सुख साधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए शुभ समय की शुरुआत होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप भी अपना नया कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये थी ये पांच राशियां जिनके लिए शनिदेव साल 2023 में मेहरबान रहने वाले हैं। आने वाले ढाई वर्ष तक इन पांच राशि वालों को वो सभी चीज़ें मिलेंगी जिनकी ये ख्वाहिश करते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।